महाशिवरात्रि का आज दिन है। महाशिवरात्रि के अवसर पर नलेश्वर शिव मंदिर में दूर दूर से लोग आकर जल अभिषेक कर रहे हैं। लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से लोग अपने आराध्य देव भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा अर्चना को लेकर लोगों का क्या कहना है, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चांद खुराना है। चांद भाई, बात करेंगे, आज महाशिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि के अवसर पर आप जल अभिषेक करने के लिए आए, क्या कहना है? यहाँ पे जो हर साल की भांति अपना शिवरात्रि त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और अपने कावड़ भी बहुत बहुत धूमधाम चढ़ती है। वैसी अपना बहुत बढ़िया अपना रिश्ता पता चलता है जी। तो कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जल अभिषेक के लिए आप लोग आए हो, जल अभिषेक कर रहे हो, आज महाशिवरात्रि का दिन है, किस तरीके से क्या कहना है सर? सर, अच्छा दिन है, आज का दिन पवित्र दिन है, सबको आना चाहिए, बढ़ चढ़ के जल अभिषेक करना चाहिए। भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हो आप? तो यहाँ तो सर हम रेगुलर ही आते रहते हैं, हाँ रेगुलर दर्शन करते हैं, हमेशा आते रहते हैं, जब जब भी टाइम लगता है। तो काफ़ी लोग हैं, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना है? आप भोलेनाथ के जल अभिषेक करने के लिए आए, महाशिवरात्रि का दिन है, कांवड़ चढ़ाई जा रही है, क्या कहना है? बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है और अच्छा लगता है आना। तो जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि आज शुभ दिन है, शुभ दिन के अवसर पर उन्होंने जल अभिषेक किया है, काफी अच्छा उन्हें लगा है। तो लोगों की मान्यता है कि जल अभिषेक से काफी उन्हें, जिस तरीके से भोलेनाथ के दर्शन कर जल अभिषेक कर रहे हैं, तो वह अपनी मनोकामना भी लोगों की पूर्ण हो रही है। सूरज समाचार के लिए निधि मेवात से अनिल मोहनिया।